लास्ट के दो एपिसोड में आपने देखा कि बेलिंडा, जो कि अपने जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर हमेशा उसकी स्थिति सही नहीं रही थी, उसके जीवन में कोई भी प्रेम संबंध टिका नहीं था, इसीलिए वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी, क्योंकि वो अपने जीवन में जो भी उसके प्रेम संबंध थे उनमें स्थिरता नहीं थी, इस मामले में वो अपने आप को अधूरा समझती थी। और हमने देखा लास्ट के दो एपिसोड में, हमने इस बात को समझा कि किस तरह से आज की बेलिंडा पूर्व जन्म में एलिजाबेथ के रूप में थी, और आज का स्टुअर्ट जो उसका प्रेमी था, जिसे उसने छोड़ दिया था, वो पूर्व जन्म में स्टेनली के रूप में उसका पति था, और पूर्व जन्म में स्टेनली ने उसका त्याग किया था, और उसका त्याग उसने उस समय पर किया था जिस समय एक औरत का परित्यक्ता होना बहुत बड़ी बात होती थी, उस वो समय जब एक महिला पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर हुआ करती थी। जब ऊपर ऊपर से हम इस स्टोरी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये कितना सही हुआ, पूर्व जन्म में जो कुछ भी स्टेनली ने एलिजाबेथ के साथ किया वही बेलिंडा ने इस जन्म में स्टुअर्ट के साथ किया, तो उसने एक तरह से अपना बदला ले लिया। जब हम ऊपर ऊपर से इस स्टोरी को सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, और हमें हमें लगेगा कि कर्म चुकतू हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में जो कुछ एलिजाबेथ के साथ हुआ, इसी जन्म में उसने वही अपने प्रेमी स्टुअर्ट के साथ करके उसका हिसाब बराबर कर लिया। देखने में हमें ऐसा लगेगा। जब हम इस नजर से सोचते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कर्म संबंधी चीजों को क्यों सही नजरिए से नहीं देख पाते, क्योंकि यहां पर दो आत्माओं के बीच में जो पूर्व जन्म में जो उनका रिश्ता था, जो कर्मों के एक दूसरे से लेन देन हुए थे, वो वजह बने उनका दोबारा से इस जीवन में आने की। लेकिन ये कर्म ऊपरी तौर पर ऐसे चुकतू नहीं हुए हैं जैसे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूं, कर्म चुकतू भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चीज हमारी आत्मा में मिसिंग थी, जिसकी कमी के कारण वो सिचुएशन पैदा हुई थी, उस कमी का खात्मा भी होता है। आत्मा जो चीज नहीं सीख पाई थी, जिसके कारण उसने वो कर्म संबंधी गलती की थी, वो चीज भी आत्मा सीखती है। इस तरह से कर्म का सिद्धांत कार्य करता है, ना कि सिर्फ कर्म पूरा हो रहा है, बल्कि आत्मा जो चीज मिस रह गई थी, वो उसे नहीं आती थी, वो भी सीखने की स्थितियां बन रही हैं। अब इस केस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, लेकिन इस बार हम कर्म संबंधी सिद्धांत को सही तरह से समझेंगे। अब हम बेलिंडा की बात करते हैं। एक बार फिर से हम उस स्थिति पर पहुंचते हैं जब बेलिंडा का जो मुक्तिदाता आत्मा थी, उसने उसका हाथ उसके मार्गदर्शक के हाथ में थमाया, और अपने मार्गदर्शक के साथ आत्मा लोक पहुंचकर जो प्रारंभिक जो बातचीत होती है, जो प्रारंभिक स्थिति निर्धारण की अवस्था होती है, जिसमें प्रारंभिक बातचीत होती है आत्मा और उसके मार्गदर्शक के बीच में, उसके जीवे हुए जीवन के विषय में, उस विषय में जो चर्चा हुई, उस चर्चा से हमें ये समझ में आया कि एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में उसका जीवन एक तरह से अर्थहीन हो चुका था, और कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बिल्कुल नहीं ढाल पाई थी, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से कमजोर थी, पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट थी, आर्थिक रूप से भी वो कमजोर थी, लेकिन इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वो इतनी कमजोर थी कि वो मरने के बाद भी अपने पति के इंतजार में रुकी रही। यानी बेलिंडा ने जो जीवन जिया था, वो जो परिस्थितियां बनी थी, वो उसके अंदर आत्मा के अंदर कौन सी कमी थी जिसकी वजह से वो परिस्थितियां बनी थी, वो आत्मा में आत्मनिर्भरता की कमी थी। यहां पे मैं पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था और एक बार फिर कह रही हूं, आत्मनिर्भरता सिर्फ धन की नहीं होती, धन भी एक पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, या हर तरह की आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। बेलिंडा को न सिर्फ धन के मामले में आत्मनिर्भर बनना सीखना था, बल्कि उसे भावनात्मक आत्मनिर्भरता भी सीखनी थी। उसे वो सीखना था कि किस तरह से जब परिस्थितियां आती हैं जीवन में, तो उनके किस तरह से खड़ा होकर सामना किया जाता है, ना कि मैं बेचारी हूं कहकर एक कोने में बैठा जाता है, जो कि बेलिंडा ने पूर्व जन्म में एलिजाबेथ के रूप में किया। उसने अपने आप को बेचारी माना, यानी वो ना सिर्फ आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा लेसन था जो उसकी आत्मा ने सीखना था। अब ऊपर ऊपर से तो ये लगता है कि क्या एलिजाबेथ का जन्म व्यर्थ गया? लेकिन व्यर्थ जाकर भी
ऊपरी तौर पे लगता है कि वो वर्थ गया, क्योंकि उसने ना पत्नी के रूप में कुछ जिया, ना उसने धन कमाया, ना उसने उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो उसके जीवन को अर्थ दे, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो एलिजाबेथ के रूप में रहा वो अर्थहीन नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो आत्मा यानी बेलिंडा की आत्मा एलिजाबेथ के रूप में जो जीवन उसने जिया था उससे वो जो कमी रह गई थी भावनात्मक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की, दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट थी वो पूरी तरह से, वो वाली चीज सीख कर आई थी कि उसने ये जीवन इसी तरह से जिया था एलिजाबेथ का, लेकिन ये गलत है। उसे अपनी आत्मा में से इस चीज को निकालकर बाहर फेंकना है। ये चीज सीख कर एलिजाबेथ वापस लौट के आई थी आत्मालोक। इसलिए ऊपरी तौर पर लगता है कि बेलिंडा का जीवन पूर्व जन्म का एलिजाबेथ रूप में व्यर्थ था, लेकिन वो व्यर्थ नहीं था। बेशक एलिजाबेथ परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाई थी, बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी उसका जीवन बेकार नहीं गया, क्योंकि आज बेलिंडा के रूप में उसने अपने आप को ना सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सीखा, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जो जीवन के झंझावत आते हैं उनके साथ कैसे डील करना है वो उसने सीखा। आज के समय पे वो अपने फैसले को लेकर इतनी ज्यादा दृढ़ थी, अपनी स्वावलंबी बनने की इच्छा को लेकर इतनी ज्यादा क्लियर थी, इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि उसने प्रेमी के रूप में जब स्टुअर्ड ने उसके सामने ये स्थिति रखी कि वो अपना कैरियर जो बनाना चाहती है बनाए, लेकिन वो जो छोटी जगह में वो रहते थे, गांव था उनका एक छोटा जहां पर वो रहकर अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, बेलिंडा वहां पर रहते हुए अपने बिजनेस की तरक्कियों को हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन जब स्टुअर्ड ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि वो उससे विवाह करे और यहीं पर रहे, तब बेलिंडा जो कि ये उसके भावनात्मक रूप से मजबूत होने की निशानी थी कि उसने उस स्थिति के खिलाफ खड़ा होकर दिखाया, उसने ये दिखाया कि मैं जो लक्ष्य हासिल करना चाहती हूं जो कि उचित भी है, मैं उस लक्ष्य को हासिल करूंगी। यदि उसने भावनात्मक कमजोरी का प्रदर्शन नहीं किया इस स्थिति में, अगर वो स्टुअर्ड के सामने फिर से उसी स्थिति को स्वीकार कर लेती और अपनी उस इच्छा का त्याग कर लेती, तो एक तरह से वो भावनात्मक रूप से कमजोर ही रही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बेलिंडा ने स्टुअर्ड के जो ये फैसला था उसने अपना फैसला सुनाया कि स्टुअर्ड को उसके साथ कैलिफोर्निया चलना होगा, क्योंकि वही उसका कैरियर है, वो अपने कैरियर को अपने बिजनेस को नहीं छोड़ना चाहती है, स्टुअर्ड को इस मामले में उसका साथ देना होगा। और जब स्टुअर्ड से उसका साथ नहीं मिला तो उसने बजाय अपने फैसले को बदलने के, बजाय परिस्थितियों के साथ समझौता करने के, भावनात्मक रूप से मजबूती का प्रदर्शन किया और वो स्टुअर्ड को छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई। कितनी जबरदस्त भावनात्मक रूप से मजबूती को लेकर एलिजाबेथ के रूप में जो उसने जीवन जिया था उससे वो एक भावनात्मक मजबूती को उसने धारण करना है, ये चीज लेकर बेलिंडा के रूप में आई। और इस तरह से जो उसकी जीवन में स्थितियां आई, ऊपरी तौर पर लगता है कि स्थिति सेम है, ऊपरी तौर पर लगता है कि स्टेनली ने एलिजाबेथ को धोखा दिया और बेलिंडा ने स्टुअर्ड को दिया तो हिसाब बराबर हुआ, लेकिन ये सिर्फ भौतिक नजरिया है देखने का। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख होती है, क्योंकि आत्मा का कोई भी जो कर्म क्लियर होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि दो आत्माओं के बीच में कर्म का रिलेशन है इसलिए उस चीज को वैसे ही क्लियर होना चाहिए, कुछ जो सीखना मिसिंग होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो सीख ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज की बेलिंडा स्थितियों को स्वीकार करना जानती है, एलिजाबेथ स्थितियों को उनको स्वीकार करना, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना नहीं जानती थी, इसीलिए उसको प्रेत रूप में रहकर उस स्थिति का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि आत्मा लोक में स्टेनली, बेलिंडा और बर्ट जो कुछ समय के लिए उसका प्रेमी रूप में आया था, इन सब ने अपनी अपनी भूमिकाओं को जाना था, चेक किया था, उन्हें पता था कि वो इस तरह का रोल प्ले करने जा रही हैं और उन्होंने जानबूझकर अपने लिए इन रोल का चुनाव किया था। बेलिंडा ने क्यों इस परिस्थिति का चुनाव किया था ये मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि वो अपनी आर्थिक और भावनात्मक रूप से मजबूती को चेक करना चाहती थी कि वो उसने हासिल भी की है या नहीं। अब यहां पर हम स्टुअर्ड की बात करें तो स्टुअर्ड ने भी पूर्व जन्म में स्टेनली के रूप में एलिजाबेथ के ऊपर जुल्म किए थे, उसको भावनात्मक पीड़ा से, जुल्म का मतलब यहाँ पे उसने उसे शारीरिक पीड़ा नहीं दी थी, उसे भावनात्मक पीड़ा से गुजारा था।
और उसने बहुत जल्दबाजी में अपनी पत्नी को छोड़ देने का फैसला लिया था, वो भी उस समय पर जब एक महिला के लिए ये एक बड़ी चुनौती था। इसलिए आज के समय पर स्टुअर्ट को भी उस भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करना था जो उसने किसी समय एलिजाबेथ को दी थी। इस पीड़ा को महसूस करने के लिए और ताकि वो अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना सके कि फिर से वो किसी और को इस तरह की भावनात्मक पीड़ा से गुजारे ना, ये चीज सीखनी थी स्टेनली की आत्मा ने। इसलिए स्टेनली की आत्मा ने इस जन्म में इस रोल को प्ले करना स्वीकार किया था। अब इस स्थिति में हमें नजर आ रहा है कि बेलिंडा ने और स्टुअर्ट ने क्यों अपने लिए इस रोल का चुनाव किया था। इसलिए नहीं किया था कि जो उसने किया है, स्टेनली ने किया है, वही बेलिंडा इस जन्म में उसके साथ करके कर्मों का लेखा जोखा चुकतू कर रही है। नहीं, इसलिए नहीं किया था। इसलिए किया था कि बेलिंडा और स्टुअर्ट दोनों की आत्माओं ने इस स्थिति से गुजरकर अपने आप को मजबूत बनाने की कला सीखनी थी। और इस जीवन में जब बेलिंडा ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों की खोज के लिए कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया, तब स्टुअर्ट को उसी प्रकार एक तरह से परित्यक्त होने का जो फीलिंग कभी एलिजाबेथ ने महसूस करी थी, उसी चीज से गुजर गुज, वो उस उसी चीज उसी भावना को उसने फील किया। और इसके साथ साथ इस सारी प्रक्रिया में बेलिंडा के अंदर भी एक अंतर्दृष्टि जागृत हो गई थी। उसने भी ये बात जान ली थी कि स्टेनली ने जो कुछ भी किया था एलिजाबेथ के साथ, स्टेनली ने उसे छोड़ा था, वो जो कुछ भी उसने किया था वो इसलिए नहीं किया था कि वो उसे पीड़ा पहुंचाना चाहता था, वो उसे भावनात्मक कष्ट देना चाहता था। वो उसने इसलिए किया था क्योंकि वो आजादी चाहता था, वैसी ही आजादी जैसी आज बेलिंडा चाहती थी, और उस समय पर इसी तरह की आजादी स्टेनली चाहता था। ये बात क्लियर होती ही दो आत्माओं के बीच का जो एक गांठ बंधी हुई थी वो गांठ खुल गई। गांठ इसलिए खुल गई क्योंकि बेलिंडा के मन में, आत्मा के अंदर, क्योंकि बेलिंडा भौतिक रूप से तो ये नहीं जानती थी कि वो पूर्व जन्म में एलिजाबेथ थी और स्टेनली ने उसे छोड़ा था, लेकिन एक गांठ थी आत्मा के अंदर कि इसने मुझे भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई। ये गांठ खुल गई। ये गांठ इसलिए खुल गई क्योंकि बेलिंडा ने जब अपने आप को एक भावनात्मक रूप से आजाद करने का फैसला किया, आर्थिक रूप से आजादी का फैसला लिया, तो उसे समझ आया, उसकी सोल को ये बात समझ आई कि जैसे उसने अपने आप को आर्थिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए फैसला लिया, ना कि स्टुअर्ट को भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाने के लिए, ठीक इसी तरह से जब स्टुअर्ट ने एलिजाबेथ को छोड़ा था उसने भी आजादी का अनुभव करने के लिए उसे छोड़ा था, ना कि उसे भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो आत्मा के अंदर की गांठ खुल गई। आत्मा इस तरह की जाने कितनी गांठें लेकर चलती है, और यदि सही समझ के साथ परिस्थितियों को देखा जाए तो वो गांठें अपने आप खुल जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूं कि कुदरत जो करती है अच्छे के लिए करती है। कुदरत क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको नजर आ जाएगा। अब एक और सवाल हम सबके मन में पैदा होता है कि ये केस तो स्टेनली और बेलिंडा का था, बीच में बर्ट जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए बेलिंडा के जीवन में प्रेमी बनकर आया था और उसे धोखा देकर चला गया था, उसका क्या रोल था, वो क्यों आया था? बेलिंडा का बर्ट के साथ जो बिल्कुल कुछ समय के लिए एक तरफा प्यार चला था, एक तरफा इसलिए क्योंकि बर्ट ने कभी बेलिंडा को प्यार नहीं किया था, वो जो थोड़े समय का प्यार था वो सिर्फ एक तरह से बेलिंडा की परीक्षा की तरह था, क्योंकि बर्ट भी उसी आत्मिक ग्रुप का मेंबर था जिसकी बेलिंडा, और बर्ट ने स्वैच्छिक रूप से ये जिम्मेदारी ली थी कि वो बेलिंडा के अंदर एलिजाबेथ के रूप में जो उसकी आत्मिक स्मृतियां हैं उन्हें जागृत करेगा, और वो इसलिए जागृत करेगा ताकि ये पता चल सके कि क्या उसने अपने दिल के भावनात्मक दर्द को सहन करना सीख लिया है या नहीं सीखा है। इस कहानी से हमने समझा कि किस तरह से कर्म की तलवार दो धारी होती है, सिर्फ कर्म नहीं चुकते होते बल्कि एक दूसरी धार भी होती है हमें कुछ सिखाने की। अगली वीडियो में मैं एक ऐसे सत्य घटना का जिक्र करने जा रही हूं जिसमें एक आत्मा ने जो भूत के रूप में एक ही समय पर किसी और घर में रह रही थी, किस तरह से उसने अपने आप को उस अवस्था से मुक्त किया। ये सत्य घटना एक तरह से जिन भी लोगों ने ओम शांति ओम फिल्म को देखा है, जिस प्रकार से उसमें परिस्थितियों को दिखाया गया, कुछ
उसी तरह की परिस्थितियां इस केस में भी हैं, जो अगला केस में अगली वीडियो में बयां करूंगी। यह केस भी एक भूत का ही है, लेकिन कुछ अलग नजरिए से। इन वीडियोस में आप देखेंगे कि हम जो भूतों के बारे में सोचते आए हैं, वो सोच बहुत सारी हमारी बहुत फिल्मी हैं, बहुत सारे फिल्मी मसाले डालकर मनगढ़ंत झूठी जो कहानियां हमें दिखाई जाती हैं, उनके आधार पर हम उनको सत्य मान लेते हैं और उसी रूप में आत्माओं को देखते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो फिल्मी कहानियां हैं जो फिल्म बेचने के लिए बनाई गई हैं, ना कि आप तक सत्य बात पहुंचाने के लिए। ये जो घटनाओं जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, ये आपकी इस सोच को काफी हद तक बदलने का कार्य करेंगी जो आप फिल्मी कहानियों से सीख रहे हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। लास्ट